वेलकम टू फैक्टोपीडिया। अगर आपको भी दिन में कई बार उंगलियां चटकाने की आदत है तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी खाली वक्त में बैठकर उंगलियां चटकाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उंगलियां चटकाने की ये आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है। यह आपकी हड्डियों पर इतना बुरा असर डालती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल आपकी उंगलियों के जोड़, घुटने एवं कोहनी के जोड़ों में एक खास तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियर फ्लूड या स्लेश द्रव कहा जाता है। ये तरल पदार्थ एक प्रकार से ग्रीस की तरह काम करता है और हड्डियों को जोड़े रखने में खास भूमिका निभाता है और हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से रोकता है। इसमें गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब नई जगह बनाती है तो इससे वहाँ बुलबुले बन जाते हैं। जब हम हड्डी चटकाते हैं तो वही बुलबुले फूट जाते हैं और हड्डी या उंगली चटकाने पर आवाज आती है। जब एक बार जोड़ों में बने बुलबुले फूट जाते हैं, उसके बाद उस लिक्विड में वापस गैस घुलने में करीब 15 से 30 मिनट लगते हैं। इसलिए एक बार उंगलियां चटक जाती है तो दोबारा चटकाने पर आवाज़ नहीं आती। दोस्तों, इसके बारे में एक रिपोर्ट यह बताती है कि बार बार उंगलियां चटकाने से उसके बीच होने वाला लिक्विड कम होने लगता है। अगर ये पूरा ख़त्म हो जाए तो गठिया होने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गठिया रोग होने से जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़ आने लगती है। दोस्तों, यदि जोड़ों को बार बार खींचा जाए तो हमारी हड्डियों की पकड़ भी कम हो सकती है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जिन लोगों को पहले से अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग की समस्या है, उन्हें तो बिल्कुल भी उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, वरना उनकी समस्या और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और हमारी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर, पीस आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।